हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मधुमक्खियों से जुड़े कुछ ऐसे जबरदस्त और रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। मधुमक्खियों द्वारा बनाए जाने वाले शहद के अनेक फायदे हैं। शहद कई प्रकार के पोषक तत्वों, खनिजों और विटामिन से भरपूर होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो आप एक चम्मच शहद खाते हैं वो मधुमक्खियां बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देती हैं। एक छत्ते में 20 से 60 हजार मादा मधुमक्खियां रहती हैं। कुछ 100 नर मधुमक्खियां होती है। मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी सिर्फ 4 से 5 वर्ष तक ही जिंदा रहती है। पृथ्वी पर तकरीबन 60 हजार प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल 4 प्रजातियां ही शहद पैदा कर सकती हैं। और सभी मधुमक्खियां डंक नहीं मारती, केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। छत्ते में रहने वाली केवल रानी मधुमक्खियां ही अंडे देती है। यह एक दिन में 2000 से भी ज्यादा अंडे देती है। गर्मियों के समय प्रजनन के समय ये संख्या 2500 तक पहुंच जाती है। मधुमक्खियां छत्ते में रहने वाली मादा मधुमक्खियों को वर्कर कहा जाता है, क्योंकि ये मधुमक्खियां ही शहद बनाने का काम करती है। नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी के साथ केवल संबंध स्थापित करने के लिए ही होते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खियों को 454 ग्राम शहद बनाने के लिए 88514 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। दोस्तों मधुमक्खियों की 5 आंख होती है, 2 बड़ी आंखें और इनके बीच माथे के ऊपर 3 आंखें होती है और इनके 6 टांगे भी होती है, साथ ही साथ 2 पंख होते हैं। मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए। मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता इंसान से भी ज्यादा होती है। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में 1 चम्मच का 12वां हिस्सा शहद ही बना पाती है। एक मधुमक्खी अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। यह 1 सेकंड में 200 बार अपने पंख फड़फड़ाती है। शहद का रंग फूल पर निर्भर करता है कि मधुमक्खी ने कैसा फूल चूसा है।